ये बजट बूस्टर डोज वाला बजट साबित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष पेशकश आज तक पर लगातार जीआईपी मॉल से, और यहीं से आप आज दिन भर देखेंगे हर क्षेत्र में क्या उम्मीदें लोगों की है, क्या कोई बूस्टर वहां पर लग रहा है, बजट में क्या बड़ी बातें हैं। और सिद्धार्थ, आप बता रहे थे अब और भी बढ़त हो गई है शेयर बाजार में। है कि ये बजट एक पॉजिटिव बजट होगा। इकोनॉमिक सर्वे ने अगर एक पॉइंट हमें उसको हम डिस्क्राइब करें तो शायद सरकार और वित्त मंत्रालय की जो कॉन्फिडेंस पिछले दो साल में कोविड और रेवेन्यू शॉर्टफॉल के कारण टूटी थी उसको एक बारी फिर से दर्शाया, और कहीं ना कहीं यही बात अभी मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही है। चलिए एक एक पॉइंट जल्दी जल्दी सबसे लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री अब संसद भवन पहुंच रही। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, जब वो पहले निकली उसके बाद वो वित्त मंत्रालय गई, आपने तस्वीरें देखी जैसे दो दो वित्त राज्य मंत्री है। उसमें एक तरफ पंकज चौधरी ने कमेंट किया कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस अब बजट पेश होने वाला है, तो दूसरी तरफ भागवत कराड़ साहब पूजा करते हुए नजर आए, तो भगवान के भरोसे भी पूरा मामला है। लेकिन इन सब के बीच सरकार क्या कुछ कर पाती है, घना कोहरा सब तब सुबह में था और धीरे धीरे शायद सूर्य निकले, और उसी के साथ जो उम्मीदें लोगों की है कोविड की इस महामारी के बाद, सेंसेक्स में भी उसी की एक झलक आप देख रहे हैं। आपको बता दें अब वो राष्ट्रपति भवन से निकलकर पहुंच चुकी है संसद भवन, और अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट के बाद आप देखेंगे 11 बजे वो बजट पेश करने वाली है 10 बजे, और ये कागजात वहां पर पहुंच गए। सिद्धार्थ, बजट की कॉपीज पहुंच गई, क्या रिलेवेंस? देखिए, बजट की कॉपीज पहुंच गई हैं, बट वाइडर सर्कुलेशन कम हो गई, और मैं मानता हूं अगर आंकड़ों को ध्यान से देखना है और हिसाब किताब सही जोड़ना है तो कागज की जरूरत है। बेशक बजट को चार्ज किया जाए, पर टोटल डिजिटल इस एस्पेक्ट में मैं अग्री नहीं करता। आप नहीं अग्री करते? बिल्कुल, वो तो पीठ ठोकते हैं अपनी कि हमने पेपरलेस कर दिया, प्रभु जी हमने पेपरलेस कर दिया, डिजिटल कर दिया है। मैंने आपको बताया, लेकिन कॉपी क्या आप लोगों को सफल साहब मिली क्या कॉपी आर्थिक सर्वेक्षण की? अब नहीं कॉपीज देते हैं, अब केवल डिजिटल, आप वेबसाइट पर जाइए और देखिए। वेबसाइट से आप कॉपी निकाल, मैं काफी दिनों से कर रहा हूँ तो मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ। आर्टिकल 160 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर लॉ मेकर जो पास करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक सर्वे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वो आप अगर रोक दें तो कोई नहीं पूछेगा। बजट पास करने वाले को अगर आप बजट नहीं दोगे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रॉपर्टी हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि इन्होंने 750 कापियाँ छापी थी, जो पहले हलवा की सेरेमनी होती थी कि बजट छपने से पहले हलवा बांटा जाता था, फाइनेंस की पिक्चर आती थी, इस बार इन्होंने मिठाई वहां पर बांटी है, जो मेरी सूचना है। तो जो बजट दिया जा रहा है उन लोगों के हाथ में दिया जाएगा जो MPs हैं, क्योंकि उनके बिना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी पूरी नहीं होती। तो ये बजट जो है इस वक्त आ रहा है, इसमें कई चेंजेस हुई हैं, उसमें डिजिटल तो आप देंगे। 1992 के अंदर सबसे पहले डिजिटल बजट आया था, जब हम पत्रकारों ने फ्लॉपी दी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह आल्टू वालिया थे सेंटर, वहाँ पर चीफ एडवाइजर, तो उन्होंने कहा जी मैं आपको बजट इतने ले जाते हो, आप बॉम्बे से लोग आते थे, इकोनॉमिक टाइम्स के लोग, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लोग, वो कलेक्ट करते थे। तब हम लोगों ने फ्लॉपी दी थी, तो फ्लॉपी के अंदर हम लोगों को बजट दिया जाता था। तो मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी का यूज भी हो रहा है, तो बजट को देखना है कि सबसे बड़ी बात जो मेरी नॉलेज में है कि बजट का इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा होगा हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर, बजट से 3 दिन पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को अपॉइंट किया। ठीक है, ये तस्वीरें जरा हम दिखा रहे हैं, सेकंड कमेंट्रीज पर कर दे। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री संसद भवन पहुंच चुकी है, और वहीं पर एक बार फिर से वो फोटो सेशन जो आपने पहले भी देखा था, जिसके लिए वो अक्सर मास्क उतार देती है, लाल बही खाता जिसमें दरअसल अंदर वो टैबलेट है जिससे वो बजट पढ़ने वाली है, ये प्रथा भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की है। और निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री के तौर पर अगर उनके पूरे सफर को जल्दी से ट्रैक करें सरकार, तो बहुत सारी रिकॉर्ड्स तो उन्होंने बनाई ही है, लेकिन बतौर वित्त मंत्री, क्योंकि इस सरकार में मोदी कार्यकाल में 2 में तो खास तौर पर अच्छे अच्छे दिग्गजों को इधर से उधर कर देते हैं, वो लगातार अभी ये चौथी बार बजट पेश कर रही है, तो एक एक वित्त मंत्री के तौर पर उनकी पहचान बन रही है क्या, जो पहले अरुण जेटली जी की? बिल्कुल, अरुण जेटली जी ने 5 बजट दिए, पीयूष गोयल जी ने 1 दिया, वो इंटरिम बजट था, निर्मला जी का 4th बजट है, और लगातार हम देखें सबसे लंबी स्पीचेस भी पिछले कुछ दौर में निर्मला जी की रही हैं। पर मैं मानता हूं कि पिछले बजट से निर्मला जी को एक नई डायरेक्शन देने का अवसर मिला इकोनॉमी को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट थी, इन्वेस्टमेंट को लेके उन्होंने काफ़ी फोकस किया। अगर इसको सिंपल शब्दों में कहे, आज भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 10% केंद्रीय बजट से है, 90% राज्यों के पास है, और अगर इस 10% का आकलन करें तो मैं मानता हूं कि सारी इकोनॉमी में हेवी लिफ्टिंग आज की डेट में निर्मला जी कर रही हैं, वित्त मंत्रालय भारत सरकार कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर अभी भी
पैंडेमिक से पहले जो एक तेजी थी वहां तक पहुंच नहीं पाया। ठीक है, चलिए उसके लिए क्या कुछ संकेत मिलते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन निर्मला सीतारमण, आपको बता दें आजाद हिंदुस्तान में 73 बजट पेश हुए हैं, 14 इंटरिम बजट, 4 स्पेशल या मिनी बजट। मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा 10 बजट उन्होंने पेश किए थे। पी चिदम्बरम ने 9, 8 बजट प्रणब मुखर्जी दादा जो कि राष्ट्रपति भी देश के बने, उन्होंने बजट और 4, हालांकि इस बीच और भी कई लोग होंगे जिनके रिकॉर्ड होंगे, 4 बजट, चौथा बजट ये आज निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री पेश करने वाली हैं। बड़ी चुनौतियां, कोविड की महामारी, अर्थव्यवस्था में आई गिरावट, जो जीडीपी में हमने रिकॉर्ड गिरावट देखी थी नेगेटिव में, उसके बाद से बेहतरी हो रही है, लेकिन 9.2 का जो प्रोजेक्शन था नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस का, एनएसओ का, उन सबसे 8 से 8.5 जो सरकार ने किया है, इसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, चूंकि अब चुनाव ही चुनाव होते हैं और ये सरकार अच्छा खासा दिलचस्पी हर चुनाव में लेती है, तो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी हर जगह सवाल जवाब होते हैं। तीसरी तरफ टैक्स को लेकर, क्या मिडिल क्लास को कोई ना कोई तरीके से टैक्स में, ये संसद भवन की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम सांसद वहां पर अब पहुंच रहे हैं और ये अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन की, थोड़ा और करीब कैमरा जाएगा तो पता चलेगा। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री वहां पर पहुंच चुकी हैं, कुछ ही देर में वो बजट पेश करने वाली है। पहले कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें अप्रूवल, और उसके बाद से जो कि अब से मुझे लगता है कुछ ही मिनटों में वो हो जाएगा। तमाम फ्रंट्स पर क्या कुछ हो सकता है इस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। टैक्स के फ्रंट पर पंकज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टैक्स के फ्रंट पर आम आदमी क्या उम्मीद इस बार रख सकता है, कुछ होता हुआ देख रहे हैं आप पंकज जी? जी डेफिनेटली, इस पर लग रहा है कि जैसे टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात चल रही है, सेक्शन 80C की बात चल रही है, तो वहाँ पे लग रहा है कि उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा। और जहाँ तक आप देखिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी तक 50,000 के आसपास ही बना हुआ है काफ़ी दिनों से, पिछले कई सालों से, तो वो जहाँ तक अब देखिए कोई बंदा 5 लाख कमाए या 50 लाख कमाए, उसको 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलना है। तो यहाँ पर हम लोगों का मानना है कि जैसे कि मैं पर्सनली मानता हूँ कि अगर उसको आप इनकम, जैसे इनकम अर्न कर रहा है उस इनकम के प्रोपोर्शनेटली अगर आप कुछ डिडक्शन का प्रावधान लेके आएँ, तो उससे जो टैक्स पेयर है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, सैलरीड एम्प्लॉई है, उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली आप टैक्स स्लैब की बात करिए तो 2.5 लाख काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो जहाँ तक चांसेस हैं उसको भी, क्योंकि 5 राज्यों 7 राज्यों में चुनाव है जिसमें से 4-5 राज्यों का रिजल्ट भी आना है, तो ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि इसको 2.5 लाख से इंक्रीज करके संभव 3 लाख 3.5 लाख के आसपास इनको करना चाहिए। और इसी तरीके से जैसे आपका हाउसिंग लोन का डिडक्शन है, उस वो हाउसिंग लोन का डिडक्शन भी असेसमेंट ईयर 2017-18 में कोई लिमिट नहीं थी उसके ऊपर, कोई कैप नहीं था, इसके बाद इन्होंने 1.5 लाख की 2 लाख की लिमिट उसके ऊपर इस्टेब्लिश कर दी। तो जहाँ तक ये है कि आप सेम वही वाला प्रोविजन को आज फिर रीइंस्टेट करें और जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उसको बेनिफिट मिले। आप देख रहे हो कि कोविड में लोगों ने कितना एक्सपेंडिचर किया, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए, लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ दैट, तो उसको भी जो मेडिकल के बड़े सारे प्रावधान है जहाँ पे कोविड 19 मेडिकल रिलीफ अलाउंसेस या कोविड 19 मेडिकल का कुछ बेनिफिट होता है, एटीसी में ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। चूंकि जब हम आंकड़े दिखाते हैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट के, 20 से 21 में 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे, तो दूसरी तरफ आया कि 40 लोग अरबपति भी इसी दौरान बन गए। तो एक एक सोशल मीडिया पर हर जगह बहुत चर्चा होती है कि जो गरीब है आप उन पर, जो अमीर है उन पर आप टैक्सेस को इंक्रीज कीजिए, बढ़ाइए, ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, अगर आम आदमी पे जो पर्सनल इनकम टैक्स है, तो भारत देश में पर्सनल इनकम टैक्स ग्लोबली, ये इस पे ज्यादा बोल सकते हैं, लगभग 43% की टोटल इंसिडेंस है एट हाईएस्ट इनकम लेवल, जो सरचार्ज और सेस मिला के 43%, यानी यूरोपियन रेट ऑफ टैक्सेशन है। कॉरपोरेट्स की अगर पीक हम टैक्सेशन देखें वो इससे काफी कम है। दूसरी बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही, ये केवल कोविड के कारण नहीं हुआ है अंजना जी, 2015-16 से डिमोनेटाइजेशन फॉलोड बाय जीएसटी फॉलोड बाय सेवरल अदर स्टेप्स, इसके कारण लगातार बड़ा जो उद्योग है, फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, जो कमजोर है, जो छोटा उद्योग है वो कमजोर हो रहा है, क्योंकि वो उतनी आसानी से टैक्सेशन चेंजेस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, ट्रेंड लेबर, सैलरी कॉस्ट, बिजली, बाकी हफ्ता, चंदा पानी, ये सब कितना करेगा, तो वो पीछे हो रहा है। और जो बड़ा उद्योग है उनके पास मार्केट कॉन्सेंट्रेशन हो रही है, उनके पास हर बिजनेस में, आप कोई भी बिजनेस आज की डेट में उठा लीजिए, रिटेल बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारे दर्शक शायद रिटेल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, दुकानदारों पे आप देख लीजिए इंपैक्ट क्या पड़ रहा है ऑर्गेनाइज रिटेल का, तो ये स्टोरी लगातार चलती रहेगी। जैसे आपने डीमोनेटाइजेशन बोला, सप्पल साहब का चेहरा खिल उठा, मतलब एकदम से खिल उठा,
चलिए दोनों मेहमानों को दिखाइए, हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब भी बने हुए। लेकिन फॉर्मल इकोनॉमी का ग्रो होना तो किसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी चीज है ना, इसका इंतजार तो था ही ना सिद्धार्थ कि ये हो। सैयद जफर इस्लाम साहब है या नहीं हमारे साथ, बता दीजिए मुझे। ये फॉर्मल इकोनॉमी का बहुत बढ़िया ब्रांडेड जूता पहन के 100 मीटर भागने वाला और नंगे पांव भागने वाले में फर्क तो रहेगा ना, है ना, ये तो रहेगा। तो ये तो अच्छी बात हो गई, ये तो आप फॉर्मल इसलिए खिल रहा है कि आज आपके पैनल पे मेरे से ज्यादा सही बोलने वाले लोग मौजूद हैं। आप ये देखिए कि लगातार हो क्या रहा है, क्या ये बजट आज जीएसटी को कम करने की दिशा में कोई प्रावधान करने की बात करेगा? आज जीएसटी को ज्यादातर टैक्सेस 28% की तरफ चले गए, हम कह रहे हैं 18 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है वो 15.5 ही रहना चाहिए, ये संभव है इस देश के अंदर, वो नहीं हो रहा है। आज हम जान रहे हैं कि जो मनरेगा जैसे जो आम आदमी को सपोर्ट देने की बात है, उस सरकार ने नहीं किया लास्ट ईयर। आ रही हूँ सैयद जफर इस्लाम साहब भी कुछ बोल रहे हैं, निर्मला जी की एक बार आवाज सुना दीजिए, कुछ बोल रही है क्या? इतना सवाल पूछ रही हूँ। निर्मला जी ने वहां कुछ बोला नहीं है, बस उनका छोटा सा इंटरेक्शन था। सफल साहब को दिखाइए, वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर सैयद जफर इस्लाम साहब भी अपना हाथ उठा रहे हैं। लेकिन वही जीएसटी जो फेडरल मैटर है, दो तीन चीजें कहना ठीक है। जल्दी से आप मनरेगा की बात है, सरकार से काफी बात हो रही है, मैं आज सुबह डेटा फाइनल चेक कर रहा हूँ, पिछले साल एक मनरेगा व्यक्ति को केवल 20 दिन का रोजगार मिला है, 100 दिन का कानून है, असल में सिर्फ 20 दिन का मिला है रोजगार, ये एवरेज आज देश के अंदर है। उसमें सरकार क्या करने जा रही है, जो ट्रेड इम्बेलेंस हो रहा है खासतौर से चीन के साथ, आप देखिए इस साल $125 बिलियन पहुंच गया, जिसमें भारत का हिस्सा केवल 25 बिलियन है, 100 बिलियन चीन का है, उसके बारे में क्या कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे कि ये चीजें ठीक हो? केवल ऐप बैन करने से चीन का मुकाबला तो होगा नहीं, चीन के मुकाबले के लिए आपको चेंजेस करने हैं। इनकम टैक्स का इशू सबने बोला है, MSP के इशू पे क्या होगा जो किसानों से वायदा है, कुछ एक चीजें इस तरह की है जिसके बारे में हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले साल जितना इन्वेस्टमेंट बोला गया था 50% भी हमने नहीं किया, 50%। तो सरकार अपने ही माइलस्टोन को पूरा नहीं कर रही है, वो अलग बात है, टैक्स के रिफॉर्म्स की जरूरत है वो अलग बात है, और रिफॉर्म्स इसे डिस्टेबलाइज ना करे। अभी तक इस सरकार की क्या खूबी है कि जब भी आप रिफॉर्म की बात करते हैं आप डिस्टेबलाइज कर देते हैं, अर्थव्यवस्था हिल जाती है, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो रही है, यही कारण है कि 8, 7, 6.5, 4। सैयद जफर इस्लाम साहब लगातार ये गिरावट आई है। देखिए मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि सफल साहब के कमेंट्स कई जगह पर गलत तरीके से जो पेश कर रहे हैं। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। भाई अगर सरकार का बजटरी एलोकेशन 5,54,000 करोड़ था, उसमें से आज के दिन में देखिए तो सर्वे आने तक 3,91,000 करोड़ हो गया, 4,00,000 करोड़ तक हो चुका है, जबकि अगर पूरा कोई टारगेट नहीं था प्रोरेटा बेसिस पे अगर आप देखें तो 4,15,000 करोड़ करना चाहिए था, मार्जिनली स्लो है लेकिन सरकार उसी रफ्तार से तेजी से जा रही है, उसको 4,00,000 खर्च चुकी है, 5.5 लाख करोड़ कर खर्चा करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा जो कैपेक्स में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी काउंसिल है जिसमें कुछ रेट रैशनलाइजेशन करना है, तो जीएसटी काउंसिल करेगी, जीएसटी काउंसिल को पूरा अधिकार है रेट रैशनलाइज करने का, वो करेगी ऊपर नीचे जो करना है करेगी, न्यूट्रल रेट निकाले कोई रेट निकाले, उसमें जीएसटी काउंसिल में आपके मंत्री भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर उनको कह सकते हैं। तीसरी बात जो है कि जो इनकम टैक्स के बारे में बात बार कह रहे हैं, तो इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स में देखिए आज के दिन में जो कलेक्शन जो टारगेट कलेक्शन जो है वो 5,60,000 करोड़ है जो इनकम टैक्स से कलेक्ट होता है, कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से जाहिर है जो 43% में बहुत कम लोग आते हैं, ज्यादातर जो है मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, उसमें जाहिर है कि सरकार उसके बारे में चिंता करेगी, इसलिए कि मैंने कहा कि जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन हुआ है थोड़ा सरकार को हेडरूम मिला, इसलिए कि 6.8 जो टारगेट कर रहे थे फिस्कल डेफिसिट, जिस तरह से रेवेन्यू जो है टैक्स टू जीडीपी जैसे बढ़ा है वो 9.9% हुआ 10.9% हुआ है, तो उससे मुझे लगता है कि थोड़ी सी हाथ में खुलेगा सरकार को, सरकार के हाथ में ताकत है और मुझे लगता है कि सरकार आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से तेजी है उसको ध्यान में रखते हुए ये करेगी। चौथी बात जो मैं कह रहा हूँ कि बार बार कह रहे हैं कि वो खर्चा कैसे होगा, कैसे जो है जीडीपी बढ़े, जी एक मिनट प्रभु जी का सवाल ही का जवाब दे रहा हूं मैं कि जीडीपी कैसे बढ़ेगी, कहां पर से बढ़ेगी, जीडीपी कैसे आएगा। देखिए सारे सेक्टर्स में का कंट्रीब्यूशन रहेगा लेकिन जो दो बड़े महत्वपूर्ण चीज है जो सरकार का फोकस रहेगा कि कंजम्पशन कैसे बढ़ाएं,
और कंजम्पशन जो है और जो एक्सपोर्ट्स पे तेजी तो है वो आप देख रहे हैं, दो साल के अगर एवरेज निकाले सीएजीआर तो उससे तेजी से एक्सपोर्ट जो 30 बिलियन डॉलर मंथली चल रहा है, 32 बिलियन डॉलर, तो उस एक्सपोर्ट में तेजी है, ग्लोबल डिमांड ज्यादा है, लोकल डिमांड में फोकस रहेगा सरकार का ताकि उससे जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है नेशनल जीडीपी में अच्छा हो। ठीक है प्रभु जी एक सेकंड सर, प्रभु जी आपका फायदा ये होता है कि आप पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों पर नजर रखते हैं, तो उसी का फायदा उठाते हुए आपसे मेरा अगला सवाल है, तो चुनावी हो सकता है सर, 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तलवार लटकी हुई है, बीजेपी ने पूरी ताकत हर क्षेत्र में झोंक दी है, पहली बार तीनों कृषि कानूनों की वापसी, कहा जाता है कि ये सरकार इस तरह से ईगो पर चीजों को लेती है, लेकिन उन्होंने तीनों कृषि कानूनों की वापसी की, क्या कुछ बड़ा चुनावी हो सकता है, रोजगार, महंगाई, ऐसे किसी भी चीज में आप बड़ा कुछ देखते हैं चुनावी? देखो 2024 का इलेक्शन, उससे पहले 16 असेंबली इलेक्शन का होना है चुनाव, बहुत बड़ी बात की, हर साल चुनाव कुछ ना कुछ होते रहेंगे, तो आपने जो बहुत बड़ी बात उठाई है, एक तो ये कि MSP जो प्रॉमिस किया है इन्होंने कई बार, क्या निर्मला सीतारमण जी MSP के बारे में कुछ बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी? ये तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है कि MSP हम देंगे नहीं देंगे उसके ऊपर बोलना पड़ेगा, इनको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। किसानों ने कहा था कि जब तक आप लिखित में हमारे को नहीं देंगे MSP के ऊपर, आज तक कोई भी इन्होंने लिखित में कोई उनको आश्वासन दिया नहीं है। सवाल है चुनावी तो बजट है, बजट का असर होता है सिर्फ इम्प्रेशन, ये कॉस्मेटिक्स होते हैं, ये ऑप्टिक्स होते हैं, बजट में क्या कहा है आपने, मूड अच्छा बनना चाहिए कि नहीं चाहिए, पर टेक्नोलॉजी जब से मोदी जी ने इंटरव्यू किया है, अब क्या हुआ कि मैं इस्लाम इनको सुन रहा था MP साहब को, ये डैशबोर्ड इकोनॉमी हो गई है, डैशबोर्ड गवर्नमेंट है, वो डैशबोर्ड के ऊपर लिखा होता है ये पढ़ते चले जाते, परंतु इसका सवाल क्यों नहीं बताते कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले 7 साल के अंदर इनइक्वालिटीज क्यों बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ी है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा है, अच्छे काम हुए हैं, कहीं ऐसी बात नहीं है, हिंदुस्तान की GDP भी बढ़ी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़े हैं, परंतु ओवरऑल सिचुएशन करेंगे अगर आप देखेंगे गरीबी रेखा के नीचे लोग बढ़े हैं बढ़े नहीं हैं, अगर हिंदुस्तान की 1% पॉपुलेशन इंडस्ट्री के पास 80% एसेट चले गए हैं पिछले साल के अंदर, आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंच चुके हैं बिल्कुल, और ये जो सवाल आप खड़े करें इस पर भी जवाब लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में पहुंचते हुए और कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक, जिसके बाद आप देखेंगे अभी तक वक्त पर ही सब कुछ चल रहा है, 10:15 बजे अब कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें अप्रूवल के बाद बजट पेश करेंगी, 11 बजे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। लेकिन आपने अच्छी बात छेड़ी प्रभु जी, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री जब भाषण दे रहे थे कैराना मथुरा, वो हर जगह एक बात कह रहे हैं कि ना ये चुनाव विधायक चुनने का चुनाव है, ना ये चुनाव मंत्री चुनने का, ना ये मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव है, ये राष्ट्र का भाग्य चुनने का चुनाव है, वह सेमीफाइनल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं जो 2024 के लिए होना है, तो इनकी नजर वहां पर है, वो साफ दिख रही है, लेकिन वित्त मंत्री के इस बही खाते से क्या निकलता है इस पर नजर रहेगी। संसद भवन में इस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है जहां पर औपचारिक रूप से मुहर लगने के बाद 11 बजे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ये बजट पेश करने वाली है। आइए आप इसी के लिए चलते हैं, हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, लगभग टाइम पर ही चल रहा है, 11 बजे बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। देखिए बिल्कुल 10:15 बजे जो है कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, निर्मला सीतारमण जो है अपने कैबिनेट कलीग्स के साथ मिलकर जो है कैबिनेट पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी और उसके बाद सीधा जो है 11 बजे वो लोकसभा के अंदर जो है कैबिनेट जो है बजट पेश करेंगी और उसके बाद जो बजट लोकसभा में पेश करने के बाद राज्यसभा के अंदर जो है टेबल कर देंगी और आज की सदन की कार्यवाही उसके बाद जो है समाप्त हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि सब देश का हर वर्ग और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको इस बजट से कुछ फायदा हो जाए, किसान, महिलाएं, छोटे उद्योग, व्यापारी, बड़े व्यापारी, हेल्थ केयर वर्कर्स, हर आदमी को ये चाहत है, आम आदमी को भी, कि उसको कहीं ना कहीं इस बजट से कुछ राहत मिल जाए, उसकी जेब में कुछ नए पैसे जो हैं वो जुड़ जाएं। तो आज देखना यह है कि क्या निर्मला सीतारमण की जेब से वो सब निकलेगा, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में क्या निर्मला सीतारमण और क्या कदम उठाएंगी और देश की जनता को बजट से क्या फायदा मिलेगा। बजट बूस्टर डोज वाला बजट होगा, अगर आपको भी दोनों वैक्सीन लग गई होगी आपको उम्मीद होगी कि जिसे प्रिकॉशनरी डोज सरकार कह रही है वो आपको मिले, लेकिन अर्थव्यवस्था में क्या जान फूंकने के लिए, आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ ऐसा इस बजट के जरिए किया जाएगा जिससे आम व्यक्ति ये सोचे कि उसके लिए सरकार ने सोचा कुछ किया, कई लोगों की आमदनी इस कोरोना की महामारी के बीच बुरी तरह से घटी है,
कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने रोजगार के साधन खोए हैं, क्या उनके लिए कुछ नया सरकार करती है? अर्थव्यवस्था की पूरी सेहत के लिए क्या कुछ होता है? नजर हमारी बनी हुई है लगातार, लेकिन आपको बता दें कैबिनेट की बैठक संसद भवन में इस वक्त चल रही है और लगभग 11 बजे शुरुआत हो जाएगी। अपना बजट भाषण शुरू करेंगी निर्मला सीतारमण। क्या कुछ होगा, एक लंबा सा पैनल हमारे साथ यहाँ पर बड़ा पैनल मौजूद है जो आपको हर वर्ग में क्या कुछ कहा जा रहा है उस पर समझाएगा कि क्या इसके मायने हैं, क्या सस्ता क्या महंगा, इन सब पर नजर रहेगी। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक जारी है जहां पर औपचारिक इसकी मुहर लग जाती है और उसके बाद 11 बजे निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने वाली है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अब बजट के पहले जो जो बोलना है उस पर जल्दी जल्दी से एक एक कमेंट ले लेते हैं। एक बड़ी चीज, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप आज सांसद हैं, लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब मन में कहीं वो बैंकर आज भी जिंदा होगा जो ये चाहता होगा कि बजट के जरिए कुछ ऐसा हो जिससे बेहतरी आए। कौन सी वो एक उम्मीद है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको शायद संकेत हो लेकिन पता ना हो पूरी तरह से, कौन सी वो एक चीज है जो आप देखना चाहते हैं इस बजट में? सीधा सवाल है सर, सैयद जफर इस्लाम साहब। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सांसद हूँ लेकिन आज कोविड पॉजिटिव होने के कारण मैं शायद संसद भवन ना जा पाऊँ, इसलिए आपके चैनल पर बैठा हूँ। लेकिन मेरी अगर कोशिश अगर आज अगर देखने की है तो मुझे सिर्फ एक ही चीज के कंजम्पशन बढ़ाने के कौन से ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे कंजम्पशन जो है देश में और बढ़े, और कंजम्पशन बढ़ेगा जाहिर है कुछ से आम नागरिक, चूंकि वैक्सीनेशन हो चुका है आम नागरिक के पास थोड़ा हाथ में और ज्यादा पैसा आए तो शायद कंजम्पशन बढ़ेगा और उससे हमारे GDP भी ग्रोथ होगी और उससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, ऐसा मैं अगर मेरे पर्सनल चाहते से अगर चाहूँ तो। वैसे अगर आप देखिए और पूरे इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो आज मैं कह सकता हूँ कि जैसे बोलते हैं कहावत है फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, इकोनॉमी इज फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, हर तरह से तेजी दिख रही है इकोनॉमी में, हर चीज अच्छा कर रही है। और आप जब आप कभी कभी अपोजिशन के लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अरे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देखिए ये कोरोना के कारण जो हुआ था उससे पहले बेहतर स्थिति पे आ गई है और जो सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया उससे और बेहतर होगा, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा बहुत अच्छे हालत में इकॉनमी, जो छोटी छोटी चीजें कुछ अनाउंसमेंट होगी मुझे लगता है उसमें आम आदमी आम नागरिक उससे कुछ होंगे। कहते हैं बार बार हर बजट में, आप 6 साल से लगातार आपके साथ बजट में सुबह में हूं लेकिन जब भी बात होती है तो आप ये जरूर कहते हैं कि हर वर्ग की उम्मीदें हैं, हर बजट में हर वर्ग की उम्मीदें रहती हैं और पूरे उसमें हम खरे उतरते हैं, इस बार भी खरे उतरेंगे। ठीक है, कोविड से जल्दी आपको निजात मिले, आप बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करें। आपने बताया कि आपको कोविड है जिसकी वजह से आप ना संसद भवन ना यहाँ आ पाए हम लोगों के साथ चर्चा के लिए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए, हम सभी की शुभकामनाएं, और मुझे लगता है इसमें सप्पल साहब भी मेरे साथ होंगे, शुभकामनाएं दे रहे हैं हम सभी की आप जल्दी से ठीक हो जाए। नेगेटिव टेस्ट यही एक चीज है जिसमें नेगेटिव होना अच्छा है, वरना GDP से लेके हर चीज में नेगेटिव होना बड़ी मुश्किल की बात है। जल्दी से सप्पल साहब, वो एक चीज जो आप चाहते हैं इस बजट में हो, एक बार सकारात्मक बात करके देखिए, शायद दर्शकों को उम्मीद बने कि कांग्रेस पार्टी अभी भी सकारात्मक बनी हुई है। सकारात्मक बात ही करूंगा क्योंकि एक चीज जो ये सरकार करे कि बातों की बजाय अर्थव्यवस्था पे अब फोकस करे, क्योंकि सरकार का जो पूरा फोकस रहता है वो केवल शब्दों का हेर फेर रहता है। महंगाई आसमान छू रही है वो कहते हैं बड़ी खुशहाली है, काम धंधे रोजगार बदहाल है वो कहते हैं बड़ी तरक्की हो रही है, एक एक संपत्ति बेच दे रहे हैं देश की कहते हैं समृद्धि आ रही है। आप देखिए देश की पूरी जनता को बांट दिया कहते हैं राष्ट्रीय एकता है, चीन खड़ा हुआ पूरा व्यापार निकल रहा है कहते हैं चुप हैं लेकिन राष्ट्रवादी हैं। तो ये फिर लफाजी हो गई पूरी। एक बार फिर से सपल साहब, कौन सी वो एक चीज है जो आप इस बजट में चाहते हैं, पिन पॉइंट करके बोलिए। पिन पॉइंट रोजगार और महंगाई पे कंट्रोल, रोजगार और महंगाई पर कंट्रोल, प्रभु बेरोजगारी पे कंट्रोल और महंगाई पे कंट्रोल। ठीक है, जो सेक्टर सबसे ज्यादा नुकसान में जा रहा है इस वक्त और MSME है, मीडियम एंड स्मॉल सेट एंटरप्राइजेस हैं जो 40% GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर भी उससे जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से इकोनॉमी का GDP जो है बहुत गिरा है, ये पॉजिटिव जो दिखा रहे हैं। मेरे को लगता है इस बजट के अंदर MSME को कुछ देंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, बाकी चीज़ें भी बढ़ेंगी, डिमांड भी, क्योंकि डिमांड जब तक क्रिएट नहीं करेंगे इस बजट के अंदर आम आदमी के हाथ में विटामिन एम देना पड़ेगा। जब तक तो विटामिन एम का मतलब यह है कि विटामिन मनी जब तक नहीं दोगे लोगों के हाथ के अंदर, ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में नहीं आएगा तब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ सकती, वो MSME के माध्यम से आएगा। की तो पूरी मार है दुनिया में सर, विटामिन एम की जरूरत है बजट के अंदर, लड़ना है तो विटामिन सी भरपूर रखिए।
अब अर्थव्यवस्था में आप कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में विटामिन एम होना जरूरी है, यानी मनी मनी का पूरा मामला है। आपको बता दें कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहे, औपचारिक मुहर यहां से लगने के बाद ही बजट पेश किया जाता है और अब से ठीक 26 मिनट बाद तय वक्त पर अगर होता है तो 26 मिनट बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। आपने सबकी बातें सुने, एमएसएमई जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको लेकर खास तौर पर प्रभु चावला का कहना था कि वहां पर किसी न किसी तरीके से सरकार को कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसे दावे पिछली बार भी किए थे, लेकिन क्या सिद्धार्थ जरावी उसका फायदा हुआ था, क्या कुछ हो सकता है, एक वो बड़ी चीज जिसकी उम्मीद आप निर्मला सीतारमण से कर रहे हैं। एक आंकड़े के द्वारा इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लगभग 10 लाख करोड़ रुपया 2 साल में कोविड के बाद कोविड को लेके कई स्कीम्स के द्वारा दिया गया, कैश ट्रांसफर किए गए जो 500 रुपये दिए गए, फिर अनाज दिया गया 5 किलो का, लगभग 80 करोड़ बेनिफिशरी लाभार्थियों को, एम्प्लॉयमेंट को लेके कुछ किया गया, मनरेगा का हालांकि अमाउंट कम हुआ 1,11,000 करोड़ से लगभग 70,000 करोड़ तक, कुल मिला के 10 लाख करोड़ खर्चा हुआ। ये लगातार चल नहीं सकता है क्योंकि बाकी जो सब्सिडीज हैं वो भी चढ़ रही हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन का खतरा है। इसलिए मेरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि वित्त मंत्री जी फिस्कल कंसोलिडेशन यानी अपना जो डेफिसिट है वो कम बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि ग्रोथ आम आदमी को और पिछड़े गरीब वर्गे को अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा जल्दी एकदम से कंजर्वेटिव नहीं होना है, थोड़ा बहुत अगर खर्चा हो रहा है उसको अभी सहना पड़ेगा ताकि हम पूरी तरीके से हमारी गाड़ी ट्रेन गाड़ी जो है वो 60-70-80 किलोमीटर की अच्छी स्पीड से चलती रहे। नहीं तो आपने देखा है कि पिछले 2 साल में ब्रेक लगती रही है, आगे चलते रहे पीछे होते रहे। मेरी उम्मीद ये है कि जो किया सो सही किया, अब उसी दौर पे चलते रहिए, कोई नेगेटिव शॉक कृपया ना दे। नेगेटिव शॉक कृपया ना दे। वीकेंड कर्फ्यू भी अभी इस वाली लहर में लगाया गया, लेकिन ये कोशिश हुई है कि अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा ब्रेक, सडन ब्रेक ना लगे लॉकडाउन कंप्लीट करके, वो पहल दिखी। जल्दी से पंकज जी आपकी एक उम्मीद, जिसके बाद मैं भी बताऊंगी, इतने सालों से बजट कवर करते करते एक मेरी भी उम्मीद इस बजट से है, लेकिन वो बताने से पहले जल्दी से पंकज जी क्या हो जल्दी से एक उम्मीद जो आप रख रहे हैं। मैं ये उम्मीद रख रहा हूं कि जैसे कि आप दो रिजीम है, पुराना रिजीम और नया रिजीम, तो नए रिजीम में अभी हमें टैक्स जो भी बेनिफिट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको दोनों रिजीम में से कोई एक रिजीम को स्टेबल करना चाहिए, और नए रिजीम में ऑलरेडी 7 स्लैब पहले से आए हुए हैं, तो उस 7 स्लैब को रखते हुए जो इन्वेस्टमेंट के डिडक्शन का जो प्रोविजन है, उस इन्वेस्टमेंट के डिडक्शन को प्रोविजन को अलाउ करके पुराने रिजीम को विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, नए रिजीम को आप विड्रॉ कर लेना। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, यानी औपचारिक मुहर लग चुकी है, पेपरलेस बजट पिछली बार से इसकी पहल की थी निर्मला सीतारमण ने, एक बार फिर वो टैबलेट के जरिए ही बजट को पढ़ेंगी। 11 बजे से बजट भाषण की शुरुआत होगी जिसमें मुख्य बातें होंगी, और अब वो वक्त है जब मैं इस बजट से जो उम्मीदें हैं वो करूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट और एलोकेशन होता है उसके जमीन पर पहुंचते पहुंचते जिस परिवर्तन की बातें की जाती है, एम्स की घोषणाएं होती है, क्या उस तरह से उसको जमीन पर आप उतार पाते हैं, इसके लिए एक रोडमैप साफ दिखना चाहिए। आज भी देश में सरकारी अस्पतालों में अगर नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री अपना इलाज करा सके, तब हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान वाकई उस सदी को बिलोंग करता है जिसमें आगे बढ़ने का हम रेस लगाने का दावा करते हैं। सरकारी स्कूलों में जब देश के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सभी के बच्चे पढ़ेंगे, तब जाकर हम कहेंगे कि हिंदुस्तान वहां पर पहुंचा है जो इतनी लंबी सफर आजादी के बाद तय करने के बाद हम पहुंचे हैं। तो स्वास्थ्य और शिक्षा, इन दो क्षेत्रों में सिर्फ ऐलान और घोषणा नहीं, बल्कि जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च होना है, वो वहां तक पहुंचे और जमीन पर बदलाव हो, सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों में आम व्यक्ति इलाज करे, करा सके, और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री भी, तब इस देश की सूरत और तस्वीर असल मामले में बदलेगी, और अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दों पर, बेरोजगारी, महंगाई, इन सबका जिक्र मैं सप्पल साहब कर रही हूँ, आप चिंता मत कीजिएगा। चलिए, वित्त राज्य मंत्री, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, आपने अच्छी बात उठाई है, उसके ऊपर जब तक खर्चा नहीं करेंगे वो इकोनॉमिक जो एजुकेशन पॉलिसी है वो भी फेल हो जाएगी, उसके लिए बजट करना। आज आप भी छोटे शहरों में चले जाइए, मैं दावा करती हूँ कि कोई मंत्री अपने किसी भी परिवार के सदस्य का इलाज उन सरकारी अस्पतालों में नहीं करा सकता है। हालात देखिए आप उन अस्पतालों के, वहां पर
मतलब दवाइयां नहीं है डॉक्टर, और हाल परिस्थितियां हैं। न जाने क्यों हमने देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान ही नहीं दिया है। आज आजादी के इतने साल बाद सरकारी स्कूलों की जो हालत है, और हम दावा करते हैं कि हम इस सदी में बहुत तेज रफ्तार से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, अरे परिस्थिति को बदलिए। अगर मंत्री मुख्यमंत्री अपने बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में कराए, अपने परिवार वालों का अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में करा पाए, तब ये भारत एक नया परिवर्तन और जो नया भारत का क्लेम किया जाता है तब वो हो पाएगा। लेकिन आपको बता दें पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं बजट के पहले, जल्दी से आपको सुना देते हैं। तस्वीरें दिखा दीजिएगा, भगवत कराड़ साहब की दूसरे वित्त राज्य मंत्री हैं, वो पूजा पाठ कर रहे थे सुबह। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। जा तो इसलिए किए कि भारत ये प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में विश्व गुरु बने, भारत समृद्ध बने, इसलिए मैंने पूछा कि सत्ता दल हो या विरोधी पक्ष हो, सब लोगों ने साथ में मिलकर बजट को सुनना चाहिए, सहकार्य करना चाहिए। सिद्धार्थ जल्दी से कमेंट आपसे आप बताना। देखिए अभी स्क्रीन पे एक खबर फ्लैश हो रही थी कि जहाजों के लिए जो पेट्रोल है उसके दाम बढ़े हैं। एक बात जो दर्शकों को शायद पता होगी, पिछले 80-82 दिनों से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। नवंबर में एक्साइज में कट हुआ था, चुनाव का समय है। मुझे बस ये एक और उम्मीद जोड़ रहा हूँ कि चुनाव के नतीजे के बाद कहीं वो पूरा खमियाजा तेल की कंपनीज तेल का खेल ना कर दें प्राइसेस बढ़ा के। प्रभु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जितना अभी $100 पे अगर पहुंच जाए क्रूड ऑयल, उसके बाद क्या होगा। पर चुनाव आ रहे हैं सिद्धार्थ, इसलिए मेरे लगता है ये सरकार उतना रिस्क ले नहीं पाएगी। सिद्धार्थ तो उससे भी एक कदम आगे निकल गए, वो कह रहे नतीजे आने के बाद पहुंच गए वो। इसीलिए कहा जाता है कि जो अर्थव्यवस्था को समझता है दूरदर्शी होता है, आगे की देखने की कोशिश करता है कहां पर क्या। देखिए सिर्फ क्या पाचा इधर उधर का खेल हो के मामला नहीं होना चाहिए, अर्थव्यवस्था के लिए आपको लंबी रेस की बात करनी पड़ेगी और ये सोचना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी जो रियायतें चाह रहा था, जैसे वर्क फ्रॉम होम करने वालों की भी पंकज, कई लोगों की आमदनी घटी, कई लोग ऐसे थे जिनके रोजगार के साधन खत्म हुए, वो भी कुछ रियायतें चाहते हैं। कुछ स्पेशल वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों के लिए क्या जा सकता है, जो कोरोना की इस महामारी में मिडिल क्लास के लोग थे, महिलाओं पर खास तौर पर इसका असर पड़ा क्योंकि उनके लिए भी आमदनी में कटौती की गई जो वर्क फ्रॉम होम, उन्होंने ऑप्ट नहीं किया ना, ये तो महामारी की मार थी जो डायरेक्टली लोगों पर पड़ी है। जी 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 सही कह रही है आप, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं डेफिनेटली उनको कुछ वर्क फ्रॉम होम अलाउंसेज उनको अलाउ होना चाहिए। सिमिलरली मैं ये भी साथ में ऐड करना पड़ूंगा, जैसे चावला साहब ने अभी ऐड करा था कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे 8% एटीएफ में बढ़ोतरी हो गई है। हाँ, जी, एक सेकंड सर आपको टोक रही हूँ। एयर टर्बाइन फ्यूल जो ईंधन विमानों में इस्तेमाल होता है उसकी कीमतों में ये जबरदस्त इजाफा आप देख रहे हैं, और अभी अभी देखिए एयर इंडिया टाटा के हाथों में लगा है, अभी तक उम्मीदें थी लेकिन अभी इसके बाद कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। और यहीं से आपने पूरी बात सिद्धार्थ आगे ले गए थे, पर ये 8.5% जो विमान ईंधन की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, इसका असर अब एयर प्राइसेस पर पड़ेगा। सिद्धार्थ बिल्कुल पड़ेगा, और वैसे ही ट्रैफिक कम है। एक एक आखिरी बात इसमें जो जोड़ने की, आपने जो प्रश्न पूछा, देखिए स्कूल्स को लेके गरीब तबके में दो बच्चे हैं तो दो लैपटॉप कैसे खरीदें, कहीं ना कहीं पे उसके लिए जो ये वर्क फ्रॉम होम के साथ में जोड़ रहा हूँ, स्टडी फ्रॉम होम का भी एक बर्डन पड़ा है, बैंडविड्थ के कॉस्ट बढ़ गए हैं, 2,400-500,000 रुपया वहां भी दे दें तो क्या बड़ा हो, अलाउंस बढ़ा दीजिए, अलाउंस बढ़ा दीजिए, सबका खर्चा बढ़ा है। देखिए आपको याद होगा, स्कूल कॉलेज नहीं खुल, आपको याद होगा कांग्रेस की एक स्कीम थी जो नहीं हो पाई कि फोन बांटेंगे चुनाव से पहले, आपको ध्यान हो अगर 2014 के चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पे रोक लगाया, 2014 में कांग्रेस फोन नहीं बांट पाई। मैं ये कह रहा हूं कि आप बांटिए मत, बट जो लोगों को खर्चा बढ़ाया, आफ्टर ऑल आपने स्कूलिंग का बहुत बड़ा एक इशू उठाया, मैं मानता हूं कि शायद आज आप बजट में कुछ ना कुछ स्कूलिंग को लेके ज्यादा फोकस सुनेंगी। ऑनलाइन क्लासेस की बहुत बड़ी चुनौती का सामना देश में एक बड़ी आबादी के बच्चे कर रहे हैं इस वक्त, ऑनलाइन क्लासेस शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ गया, जहां पर परिस्थितियां बेहतर है वो फिर भी ऑनलाइन क्लासेस कर लेते हैं, तो इस पर जो सिद्धार्थ कह रहे हैं वो अच्छा खासा मायने रखता है कि क्या सरकार की नजर इस तरफ पड़ती है। पंकज जी जल्दी से दो लाइन अपनी बात। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इंक्रीज हो गया पेरेंट्स के लिए भी,
बच्चों को लैपटॉप प्रोवाइड कराना, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराना, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होती जा रही हैं। और सिमिलरली अब उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब देखिए, जिस समय लॉकडाउन हुआ उस समय जितने हमारे सैलरीड एम्प्लॉय थे, जो एम्प्लॉयमेंट में थे, उन सब की सैलरी का डिडक्शन हुआ बहुत हद तक, और उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं मिला हमारे को। तो वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार उसका बेनिफिट ज़रूर कुछ ना कुछ किसी टर्म्स में आएगा। और जो एक बहुत बड़ी बात मैं आपको यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, गवर्नमेंट के पास में बड़े सारे स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसका कहीं पर ईजिली अवेलेबिलिटी नहीं होता। तो उसकी अवेलेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है कि कहीं कुछ एक जगह सारी चीज़ें इकट्ठी हों और वहाँ से लोगों को उसका अवेयरनेस लगे। जैसे अभी GST रेट पे बात कर रहे थे हम बहुत ज़्यादा, अभी आप 1,00,000 करोड़ रुपए का कुछ रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है GST में, वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो प्लान है, जितनी कंजम्पशन हमें इंक्रीज करना है, जितना ही ज़्यादा कंजम्पशन इंक्रीज होगा डोमेस्टिक में, उतना ही ज़्यादा हमारे GDP में भी ग्रोथ आएगा और डेफिसिट भी हमारा थोड़ा कम होगा। ये संसद भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे लगता है कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अब सभी संसद की तरफ जाते हुए और कुछ ही देर में अपना बजट भाषण शुरू करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये तस्वीरें आप सीधे इस वक्त संसद भवन की देख रहे हैं। एक इससे पहले कि बजट की शुरुआत हो, सिद्धार्थ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज याद आई जिस पर मैं बात करना चाह रही थी, क्रिप्टो करेंसी को लेकर। क्या उस पर रेगुलेशन को लेकर सरकार कुछ कर सकती है, क्योंकि उसको फिर मैंने आज सुबह ही मैंने एक ट्वीट डाला है, जो पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव एजेंडा है उसमें क्रिप्टो बिल का कोई मेंशन नहीं है। 13 नई बिल्स इंट्रोड्यूस होने की बात है, क्रिप्टो बिल अभी तक लिस्टेड नहीं। तो मतलब उस पर हम आंखें बंद करके ही अभी सरकार रखने मुझे मुझे ये लग रहा है कि हालांकि अगर आप देखें दफ्तरों में हर जगह पर लोग काफी मतलब इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, और इसके कारण डर भी बन रहा है। मुझे इसके कारण डर भी बन रहा है, जिस तरह का उसका उसका स्ट्रक्चर है, और अगर वहाँ रेगुलेशन नहीं होता है तो वहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल जो इस पर चर्चा है उसको हम जारी रखेंगे। ये तस्वीरें संसद भवन की हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट देश के सामने रखेंगी, बजट भाषण की शुरुआत होगी। जो बड़ी बातें हैं, कुछ ट्रिविया है इसके बारे में आपको बता दें, पेपरलेस बजट करने की कोशिश सरकार की पिछली बार से ही थी, वो पेपरलेस बजट इसे कहते हैं और टैबलेट से निर्मला सीतारमण इसे पढ़ती हैं। इसी के साथ डिजिटल इंडिया का जो पुश है उसको कहा जाता है, आत्मनिर्भर भारत का बजट सरकार इसको टोन देती है, जिसमें उस स्टार्टअप इंडिया, जो स्टार्टअप्स हैं, जो मेक इन इंडिया है, इन कैंपेन्स को पुश करने के लिए भी आप देखेंगे कि और भी फंड एलोकेशन होगा। लेकिन इन सब के साथ साथ जो बड़ी चुनौतियां हैं, महंगाई से लेकर बेरोजगारी की, क्या उस पर कुछ बड़ा हो सकता है, क्या टैक्स के तौर पर सीधा कोई ना कोई फायदा आम आदमी को दिया जाता है, क्योंकि याद रखिए 5 राज्यों में चुनाव भी है, बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन इसी के साथ बजट का ये टाइम इसमें बड़ा दिलचस्प हुआ था, मुख्य चुनाव आयुक्त जब तारीखों की घोषणा कर रहे थे तो एक पत्रकार ने उनसे बाकायदा ये सवाल भी पूछा कि क्या बजट उस वक्त उस दौरान होगा, 10 फरवरी को पहली वोटिंग होनी है, मतदान होना है, ऐसे में उसके ठीक 9 दिन पहले आप ये बजट देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रक्रिया है, जब जब यूपी में चुनाव इन 5 राज्यों में होता है तो ये तारीख ऐसे ही आगे पीछे होते हैं, लेकिन बजट जस का तस चलता रहेगा। बहरहाल लेकिन इससे कोई रोक नहीं सकता सरकार को, अगर वो कुछ ऐसा कहते हैं जिस पर सप्पल साहब बाद में कहेंगे कि ये तो चुनावी बजट लग रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ सरकार करेगी, क्या ये बजट बूस्टर बजट साबित होगा। आपको बता दें जो GST के दर है उसमें कमी की बात हो, तमाम अन्य चर्चाएं हैं जिन पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। अब हमारे साथ इंडस्ट्री जगत से कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ उदय शंकर जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि इमीडिएट पास प्रेसिडेंट है फिक्की के, और उदय शंकर जी का एक बहुत लंबा वक्त मीडिया में भी रहा है। उदय शंकर जी, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे बड़ी उम्मीद जो आप इस बजट पे रखते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, दूसरी तरफ जो सच्चाई परिस्थिति जमीन पर इस वक्त दिख रही है उस पर आपका कमेंट उदय जी, और तीसरी तरफ आपको क्या लगता है कि कौन सा वो एक काम है जो ये सरकार करके नई जान फूंक सकती है और ये बूस्टर डोज वाला बजट साबित हो सकता है। उदय जी धन्यवाद, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए आपने कई सारे सवाल पूछे और अभी थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा, इस वक्त में जबकि वित्त मंत्री थोड़ी देर बाद बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ गेस करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सरकार ने पिछले 2 साल में बहुत बहुत सूक्ष्मता के साथ सिचुएशन को जज किया है और उसके बाद उस हिसाब से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। कई बार जो अपेक्षाएं थी लोगों की कि एकाएक देश में पैंडेमिक आ गया है और सरकार को लगातार खर्च बढ़ाना चाहिए अपना और इन्वेस्ट करना चाहिए,
और सरकार ने जहां जरूरत पड़ी वहां किया, लेकिन सरकार ने इसमें दूरदर्शिता का परिचय दिया है और उसकी वजह से हमको लग रहा है कि हमारा जो इकोनॉमिक रिवाइवल इस देश में हुआ है वो दुनिया के ज्यादातर देशों और विकसित देशों के मुकाबले ज्यादा तेजी से हुआ है और हम वापस बहुत मुस्तैदी से लौटे हैं। मुझे लगता है कि यही प्रक्रिया जो है इस बजट में जारी रहेगी, इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट कैसे किया जाए और जो ग्रोथ रिकवरी है, सरकार ने कहा है कि इस बार उम्मीद की जा रही है कि 8.2% 8 to 8.5% पे हमारा ग्रोथ होगा, तो उसके उसको करने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो सरकार कर रही है और मुझे लगता है कि उस पर बढ़ावा होगा, उस पर ज्यादा और जोर दिया जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अनलॉक करने के लिए, और ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अनलॉक करने के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए, हमारी उम्मीद होगी वित्त मंत्री से कि वो उस पर ध्यान देंगी। मुझे लगता है कि उस बजट में देखेंगे कि उसके बारे में कई कदम लिए जा रहे हैं, खास करके जो एमएसएमई सेक्टर है, जो छोटे उद्योग हैं, जो एम्प्लॉयमेंट और लोगों की जिंदगी की खुशहाली, जो निचले तबके के लोग हैं उनकी खुशहाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करना जरूरी होगा। सरकार का लगातार एमएसएमई पे फोकस रहा है पिछले दो साल में हमने देखा, और मुझे लगता है कि इस बजट में आप और देखेंगे उसके बारे में। दूसरा जो आत्मनिर्भर भारत है, वो आत्मनिर्भर भारत सरकार की कमिटमेंट है और वो कमिटमेंट मुझे लगता है कि लगातार स्ट्रांग होती जा रही, चाहे वो पीएलआई स्कीम के तहत हो, चाहे वो और भी दूसरे पॉलिसी इंसेंटिव्स की तरह हो। भारत के लिए एक जबरदस्त मौका है कि दुनिया में जो बदलाव आ रहा है, पूरे सप्लाई चेन का जो रीफैब्रिकेशन हो रहा है, उसमें भारत एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोसेस में एक बड़ा पार्टिसिपेंट बन सकता है।